कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ये समझते हैं कि दूध पीते बच्चे का पेशाब नापाक नहीं है, तो क्या दूध पीते बच्चा हो या बच्ची हो उसका पेशाब पाक है कि नापाक है? देखिए, अगर बच्चा एक घंटे का भी हो और वो पेशाब करे तो उसका पेशाब ऐसे ही नापाक है जैसे 70 साल के बूढ़े का पेशाब नापाक है। पेशाब पेशाब ही होता है, तो दोनों की नापाकी बिल्कुल यकसा है। और ये मसला जो औरतें हैं उन्होंने गढ़ लिया है, बहुत से ऐसी औरतों में मसाइल गड़े हुए हैं कि आज तक उसका जवाब उनको कोई दे नहीं सका। आईना देखने से वजू टूटे, घुटना देखने से वजू टूटे, इस तरह के फजूल यानी के मसाइल जो हैं उनके दरमियान हैं। जब तक के 40 दिन ना हो बच्चे की विलादत के बाद औरतें पाक नहीं होती, ऐसे खुराफात उनके दरमियान नस्लन बादा नस्लन चले आ रहे हैं। उन्हीं में से ये मसला भी है जो आपने जिक्र किया। क्या मसला जिक्र किया आपने? बच्चे का पेशाब नापाक नहीं होता। आप गौर फरमाएं, पेशाब तो पेशाब ही, अरे जब जानवर का पेशाब जो है वो नापाक होता है तो बच्चे का पेशाब नापाक क्यों नहीं है? बकरी का पेशाब, और इस पर कितनी सख्त वईद है, वो बुखारी शरीफ की हदीस जो आप अक्सर सुनते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहि सलातो व तस्लीम जो है वो गुजरे तो दो कब्रों को मुलाहिजा किया तो हुजूर अलैहि सलाम का खच्चर जिस पर मेरे रसूल बैठे हुए थे वो बिदकने लगा। सहाबा ने इसके हुजूर ये बिदकता क्यों है, तो आका अलैहि सलाम फरमाते हैं इन दोनों कब्रों पे अजाब हो रहा है इसलिए ये खच्चर बिदक रहा है। आप गौर फरमाएं, इससे हम ये कह सकते हैं कि जिस खच्चर पे हुजूर बैठ जाए वो भी कब्रों के अंदर तक देखता है, जिस पर हुजूर बैठ जाए वो भी कब्रों के अंदर तक देखता है। आका फरमाते हैं कि ये बिदक इसलिए रहा है कि इस कब्रों पे अजाब हो रहा है। फिर आका अलैहि सलाम ने जो है वो एक टहनी ली और उसके दो टुकड़े किए और दोनों कब्रों पर रख दिया और फरमाया कि जब तक ये टहनियां हरी रहेगी यानी तर रहेगी तो इनके अजाब में तकलीफ कमी होती रहेगी, क्योंकि हर तर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। इसी से मसला भी अखज किया गया कि बुजुर्गों के और मरहूमीन की कब्रों पे फूल डाले जाएं कि फूल जब तक तर रहेंगे, अगर मैयत गुनहगार है तो अजाब में तकलीफ होगी, मैयत नेकोकार है तो उसके दर्जात बुलंद होंगे। तो आका अलैहि सलाम ने जो है वो टहनी रखी और फिर फरमाया कि इन दोनों पर जो अजाब हो रहा है वो बहुत छोटे गुनाह की वजह से अजाब हो रहा है। एक तो जो है वो चुगली करता था यानी इधर की बात उधर करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तो ये पेशाब से न बचना, पेशाब के छींटों से न बचना, ये अजाब कब्र के का जरिया है, इसलिए पेशाब से बचा जाए। अगर बच्चे पेशाब करते हैं तो वो नापाक है, उसको वैसे ही धुलना चाहिए जैसे दूसरे पेशाब को आप धुलते हैं। ये लोगों के दरमियान गलत मसला मशहूर है कि बच्चों का पेशाब नापाक नहीं, बच्चों का पेशाब भी वैसे ही नापाक है जैसे बड़ों का पेशाब नापाक है।